हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पंकज पंजवानी, पीएचपी के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम ग्लोबल वेरिएबल को देखेंगे कि कैसे हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, जिसको कि हम जो कि आउटसाइड अगर कोई हमारा वेरिएबल डिक्लेयर्ड है उसको हम कैसे इनसाइड दी फंक्शन यूज़ करें, तो हम आज देखेंगे। तो एक ना thirty2.php सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग टेक्स्ट लिख लेते हैं पीएचपी के। वेरिएबल बना देते हैं। आज के लेक्चर में भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस देखेंगे। आज से अब से कुछ लेक्चर्स में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ही देखेंगे। मैं एक नेम नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, किसी का भी नेम मैं यहाँ पर लिख दूँगा। जस्ट सपोज कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। इको आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा। नेम इज वेरिएबल का नाम लिख दूंगा तो वैल्यू फेच होकर आ जाएगी। जो भी नेम के अंदर वैल्यू स्टोर की गई है एज अ स्ट्रिंग वो फेच होके हमें शो होने लगेगी। उसके बाद मैं एक मेथड यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, हेलो। ठीक है, हेलो नाम का मेथड मैंने अभी बनाया नहीं है, लेकिन मैं उसको पहले से यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मैं इसको बनाऊँगा, नीचे बनाऊँगा इसको मैं, लेकिन मैं पहले उसको यूज़ कर रहा हूँ बनाने से पहले। तो मैं कमेंट करके बता देता हूँ मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। We can call a function. We can call a function even before it is defined in a फाइल। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हम किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसको डिफाइन किए करने से पहले। हालांकि ये फंक्शन हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको पहले कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब जाके मैं इसको डिफाइन करूँगा, डिक्लेयर और डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ हेलो। ठीक है, सेम नाम का फंक्शन मैंने यहाँ बना लिया, जो हेलो फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल किया था उसी नाम का हेलो फंक्शन मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिफाइन भी यहीं पर करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी बॉडी दे देता हूँ। बॉडी मीन्स मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें मैं ग्लोबल वेरिएबल, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, मैं ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ। नेम नाम का, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि नेम नाम का वेरिएबल मैंने पहले आउटसाइड द फंक्शन बनाया। फंक्शन हमारा ये है, लेकिन फंक्शन के बाहर हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसको हमने एक वैल्यू असाइन किए, तो उसको मैं इनसाइड द फंक्शन फिर से बना रहा हूँ। तो मैं कैसे आउटसाइड द फंक्शन कोई अगर वेरिएबल मेरा डिक्लेयर्ड है तो मैं कैसे उसको
विद इन द फंक्शन यूज कर सकता हूँ, तो वही हम ग्लोबल वेरिएबल से करते हैं। कमेंट करके आपको पूरा बताता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं हम उसको ओनली इनसाइड द फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसको पहले मैं इनसाइड द फंक्शन यूज कर लेता हूँ इको आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू। मैं इसको यूज कर लेता हूँ अपने फंक्शन को, ब्रेक लगाने के बाद मैं एक यूजर को एक स्क्रीन पे शो कर देता हूँ कुछ हेलो टू नेम, जो भी नेम वैल्यू हमने असाइन की यहाँ पे, ये हमने फंक्शन के अंदर असाइन नहीं की, वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की थी और वो स्टोर हो गई अब नेम में, लेकिन अब वो यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि मैंने सेम नेम यूज़ किया है ग्लोबल कीवर्ड लगा के, उसको ग्लोबल बना दिया मैंने। तो यहाँ पे वही वैल्यू फेच करेगा जो मैंने यहाँ पे असाइन की है। इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ यहाँ पे। इसी चीज को मैं आउटसाइड द फंक्शन भी लिख सकता हूँ, आउटपुट हम अभी देख लेंगे। आउटपुट देखने के बाद ही हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। हम देखेंगे कि इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन ये सेम तरीके से वर्क करता है या डिफरेंट तरीके से, तो हमें आउटपुट में ही पता चलेगा। ओके, आउटपुट देख लेते हैं इसका। लोकल वेब में चले जाते हैं हम, नेम इस पंकज, पहले जो हमने प्रिंट करवाया था वो, और फिर ये इनसाइड दी फंक्शन हेलो टू फंक्शन हेलो टू पंकज, एंड आउटसाइड दी बॉडी ऑफ फंक्शन भी वो सेम तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इससे हुआ ये कि हमने जब ग्लोबल कर दिया वेरिएबल नेम को, तो वो बाहर भी सिमिलर तरीके से हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ग्लोबल करने से फ़ायदा यही है कि हम उसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसको ग्लोबल नहीं करते हैं तो हम उसको बाहर इसकी वैल्यू फेच नहीं कर पाते इस तरीके से। मैं और कमेंट करके आपको लिख यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है ग्लोबल। मल्टी लाइन कमेंट हम यूज़ कर लेते हैं, साइड दी कमेंट में लिख देता हूँ यूज अवेलेबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड दी फंक्शन फंक्शन फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन मस्ट बी ग्लोबल वेरिएबल नेम,
ठीक है, तो मैंने ये लिखा है कि टू यूज अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन। अगर कोई फंक्शन अगर कोई वेरिएबल हमारा आउटसाइड द फंक्शन है, उसको हम इनसाइड द फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, विद इन अ फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट लाइन रहेगी फंक्शन की, उसको हम ग्लोबल कीवर्ड लगा के वेरिएबल का नाम लिख देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, हमारा एक वेरिएबल था नेम नाम का आउटसाइड द फंक्शन, उसको हमने इनसाइड द फंक्शन करना चाहा है, तो हमने जो है ग्लोबल लगा के वेरिएबल का नाम लिख दिया है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या होगा कि जो पंखा जो असाइन हो जाएगा नेम के अंदर, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने हेलो को कॉल किया है, तो इंटरप्रेटर देखेगा कि हेलो नाम का फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, तो वो देखेगा कि यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइंड है फंक्शन नाम का, हेलो नाम का है फंक्शन, तो उसकी बॉडी को एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है, फिर तो उसको ये फाइंड होगा यहाँ पे नेम, तो वो ये प्रिंट करवा देगा। ओके, और आउटसाइड भी हमने यूज़ कर लिया, आउटसाइड भी सेम तरीके से वर्क करता है अगर हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। तो दिस टेल्स PHP not to create a new variable for a function। अगर ऐसा हम ग्लोबल करके वेरिएबल का नाम लिख देते हैं फंक्शन के अंदर, तो उससे PHP को पता चल जाएगा कि हम जो वेरिएबल अंदर बना रहे हैं फंक्शन के, वो उसको फिर से दोबारा क्रिएट ना करें, जो कि ऑलरेडी क्रिएट है हम उसी को यूज़ कर लेंगे। इससे मेमोरी का भी वेस्टेज नहीं होगा, एफिशिएंटली हम यूज़ कर लेंगे, और वो दोबारा जो है नेम नाम के जो पहले से बना चुके हैं वेरिएबल को, उसको दोबारा नहीं बनाएगा। ओके, हम इसको सेव कर लेते हैं, आउटपुट आप देख ही चुके हैं, तीन स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाए थे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया है, आई थैंक्स टू देम, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे वीडियोस को अब तक 8 सब्सक्राइब मिले हैं, जो कि कुछ सब्सक्राइब के नाम मुझे याद है अभी, राज दादा, धीरज कुमार, अपूर श्रीमाली। ओके, सो वेरी वेरी अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू विच कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब वीडियो। सो बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।